बैक टू एफएसए एंटरटेनमेंट। कबीर स्टड फार्म नासिराबाद के टेंट पर हूँ मैं और उनके ओनर के साथ। गुड आफ्टरनून सर, क्या नाम है आपका? महिपाल चौधरी। महिपाल चौधरी भाई, कहाँ से हो आप? नासिराबाद। ये कहाँ का है? ये अजमेर के पास में। तो आपका तो होम टर्फ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या वजह है कि आप लोगों को टेंट बाहर नहीं मिला, कि आपने अपनी मर्जी से यहाँ पर? नहीं, हमने हमारी मर्जी से यही करा। क्या फायदा है ये अंदर टेंट लेने का? एक्चुअली क्या, वो अश्व पृथ्वी की शान ग्रुप है, हम उसमें मेंबर हैं, तो वो सब इन्होंने, हमने यहीं पे ही लिया है। अच्छा, कबीर स्टड फार्म, कबीर नाम किसका है? कबीर छोटाले बेटे का है। आपके छोटे बेटे का नाम? हाँ जी, हाँ जी। सर, क्या खास बात है स्टड फार्म की? सर, ये बच्ची जो देख रहे हैं आप, कृष्णा करके, ये अभी जो जोधपुर में शो हुआ था, मिल्क टीथ और टूथ टीथ चैंपियन है। हाँ, ये चैंपियन है। चैंपियन का रनर अप रही है। ये सेकंड रही थी वहाँ पर। सेकंड, फर्स्ट रनर अप यानी सेकंड पोजीशन पे। हाँ, सेकंड पोजीशन पर। कौन से, ये साल की बात? इसी साल की बात है सर। बहुत बढ़िया सर। मिल्क टीथ और टूथ टीथ दोनों एक साथ हुई थी। और नाम क्या है इसका? कृष्णा। कृष्णा, हाँ जी। क्या हाइट की है सर ये? 60 अबाव है और अभी 16 मंथ की है। एक्सेप्ट फॉर एक हल्का सा जो तिलक है। हाँ जी, हाँ जी। बॉडी इज ब्लैक। यस यस यस, बॉडी इज ब्लैक। यस, फिटनेस बहुत अच्छी है सर इसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेहनत करनी पड़ती है सर इनके लिए। लेकिन लोग कहते हैं कि मेहनत कितनी भी करो, ब्लड लाइन नहीं होगी तो नतीजा नहीं। ये तूफान ब्लड। बिल्कुल सर, बिल्कुल, तूफान ब्लड लाइन की है। बचपन से ही आपने इसको बड़ा किया है? बिल्कुल सर, मैं तो 3 महीने की लेके आया था। ओके, जब से फिर बचपन। एग्जैक्टली एज कितनी है? ये 16 मंथ की है। 16 महीने की। हाँ। क्या मकसद है यहाँ पर लाने का? बस दिखाने के लिए। तो क्या फायदा होता है? एक स्टैलियन का समझ में आता है मुझे। हाँ। कि लोग अगर स्टैलियन लाते हैं तो भाई क्रॉसिंग के लिए आइए, है ना, उनसे उनका आमदनी का जरिया भी है। फिली को लेके आने का मकसद क्या है आपको? क्या सर, अगर आपके पास में अच्छा पशु है तो आपको दिखाना चाहिए, मेरा मानना ये है। ओके, तो क्या फायदा होता है उससे? फायदा सर, लोग बाग देखते हैं कि हाँ भाई, उनको ये लगता है कि नहीं यार, बहुत अच्छी चीज है, वो देख के जाते हैं। तो नाम होता है, नाम होता है। और अगर फार्म आपका का बेचने का इरादा हुआ इन फ्यूचर। हाँ। तो आसानी पड़ जाती है, लोगों को पता रहता है कि क्या। देखो है सर, एक्चुअली क्या, अच्छी चीजें तो बहुत मुश्किल से मिलती है, मिलती ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिलती है। तो अच्छी चीजों को तो सिर्फ दिखाने के लिए ही होती है कि भाई दिखाया जाए। ये 3 महीने की रही थी तब आपने लेके आया? बिल्कुल। तो कहाँ से, पुष्कर से लिया था? नहीं सर, ये बाबा बालक दास जी जो हैं। अरे, उनका तो मैंने इंटरव्यू लिया था लास्ट टाइम। बहुत बड़ा टेंट लगा, इस बार लगाया कि नहीं? हाँ, लगाया ना सर, रोड के ऊपर लगाया। जाना पड़ेगा उनकी टेंट पर। ये उनके जो उनके पास में जो हर्ष है, हाँ हाँ, उसकी बच्ची है। उनकी तो क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है सभी। बिल्कुल 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 सर, बहुत बहुत सर। अब अगर किसी को इस कंडीशन में लेना होगा ऐसी घोड़ी, क्या प्राइस कमांड कर देती? नहीं सर, कोई प्राइस ही नहीं है, मेरे लिए तो अनमोल है ये। अनमोल है ये। बिल्कुल सर, ठीक है सर। आजकल ये जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। आपने रजिस्टर किया है इसको? बिल्कुल सर, अभी कभी जो बाबा जी का जो हर्ष है उसका डीएनए हो चुका है। अब हमारा हमको करवाना है, जैसे ये बच्ची बाबा जी की है तो बस डीएनए करवाना ही है। तो आपको लगता है इससे फायदा होगा? बिल्कुल सर, फायदा तो होगा ही, जो ये बाजार में जो झूठ चल रहा है क्योंकि वो सब बंद हो जाएगा। स्पेशली ये देखा, वो मजू की लाइन का जो कलर जो होता है। हाँ। जो भी वो कलर का घोड़ा है तो बोले मजू की लाइन का। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कैसे बॉडी से तो मुझे लग नहीं रहा है कहाँ से। सर इसके अंदर क्या है, कई जो झूठ बोल रहे हैं उनका पर्दाफाश होगा। बहुत अच्छी चीज है, करवाना चाहिए और फायदा भी है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। खरीद फरोख के लिए भी काम आएगा, एक वेबसाइट जब बन जाएगी। बिल्कुल। आम जनता जो है वो जाकर सकती आज है। आज जो शरीफ या जो भटिंडा वाले हैं उनका जो घोड़ा है अलबख्श, उससे मेरी एक घोड़ी अभी सुपर होके आई है। ओके। वो जहांगीर की माँ है। ओके। तो आज भैया ने भी डीएनए करवा दिया अलबख्श का। बहुत बढ़िया, अच्छी अलबख्श अपना। ये जनत फार्म? नहीं 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 सर, ये भटिंडा शहरी भाई। हाँ, शहरी भैया के। ओके ओके ओके, ठीक है। माशाल्लाह चीज है सर ये तो, वाकई में। और हाइट पकड़ेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी बिल्कुल। कितनी हाइट इसकी? ये 60 प्लस है सर। और जाएगी कितनी आपको लगता ये है? 64 जानी चाहिए। बिल्कुल। ओके। मदर भी नॉन है क्या? मदर नहीं, मदर भी अपने नॉन ही है सर, अननोन नहीं है। ठीक है, वाकई में खूबसूरत है सर। आंखें काफी लाल लाल हो गई सर और की, क्या ये डस्ट की वजह से है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राइट वाली जो, लेफ्ट वाली जो आंख देखोगे आप, काफी लालपन आ गया है। नहीं, वो आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्यूटी है सर, मारवाड़ी के अंदर जो आंख होनी चाहिए वो इसी तरीके से बाहर की तरफ। इसमें जो है, क्योंकि काला रंग है, इसमें प्रॉमिनेंट ये चीज दिख रही है, यहाँ पे जो गोल गोल दिख रहा है वो भवरी टाइप। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहते हैं सर? नहीं, मैं बिलीव ही नहीं करता सर, उसको बिलीव नहीं करते हो आप? ओके ओके। अदरवाइज सर बहुत खूबसूरत है, दूर से ही नजर पड़ जाए जिस किसी को भी सर। अगर आपके पास ऐसी और भी चीज है बेचने के लिए? बेचने के लिए तो चीज बनी नहीं सर। नहीं, ये नहीं है, लेकिन ऐसी है कुछ? मेरे फार्म पे भी है। ओके ओके,
सर आपका नंबर देना चाहोगे ऑडियंस को? क्या नंबर है? 9911 वही है 9911 3547 और आपका पूरा नाम? महिपाल चौधरी। और व्हाट्सएप पर भी हो? बिल्कुल सर। ठीक है, ये फार्म का पेज है इंस्टाग्राम वगैरह पे? बिल्कुल। कबीर स्टड फार्म डालेंगे तो इंस्टाग्राम पे आ जाएगा? ठीक है। वैसे आप फुल टाइम घोड़ों में हो कि आपका कुछ और प्रोफेशन है? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।